अग्नि पीड़ित को बांटी राहत सामग्री। एनआर गुप्ता चैरिटेबल ने दी नकदी व राहत सामग्री। गुजरात के उद्योगपति रमेश चंद गुप्ता बने मददगार। लुपिन के ईडी सीताराम गुप्ता ने दी 7100 की नकदी हेलेना भरतपुर। एनआर गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट गांधीधाम गुजरात की ओर से गांव छौ करवाडा किला स्थित राधा कृष्ण मंदिर पर संत रतनदास महाराज की अध्यक्षता तथा पूर्व जिला प्रमुख द्वारिका प्रसाद गोयल के मुख्य आतिथ्य में अग्नि पीड़ित परिवार को राहत एवं राशन सामग्री वितरण की गई। विशिष्ट अतिथि जहानपुर सरपंच पति कुबेर सिंह, चौकरवाड़ा किला सरपंच उन्नेम सिंह, शिक्षाविद व मोहन चैधरी रहे। कार्यक्रम के प्रभारी सुभाष चंद बंसल एवं प्रवक्ता विष्णु मित्तल ने बताया कि गांव जिम्हानपुर निवासी अशोक अग्रवाल के कच्चे मकान में 27 जून को आग लग गई, जिसका आगजनी में दो दुधारू भैंसे जलकर मर गई तथा पीड़ित के माता कांता व पत्नी मालती झुलस गई तथा हजारों का नुकसान हो गया। पीड़ित अशोक अग्रवाल की मदद को एनआर गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट गांधीधाम गुजरात के चेयरमैन रमेश चंद गुप्ता द्वारा अनाज राशन सामग्री देशी घी सरसों तेल सहित 8100 रुपए गेहूं की खरीद को नकद प्रदान किया गया। इस अवसर पर मोहन सिंह, दौलतराम शर्मा, दिनेश चंद, वकील खान, इस्लाम खान, प्रभु दयाल आदि मौजूद रहे। जहानपुर सरपंच शर्मिला देवी ने बताया कि अग्नि पीड़ित अशोक अग्रवाल का नाम भी पीएल सूची में शामिल है, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनवाया जाएगा। गांव जहानपुर के गणमान्य लोगों ने 11 सदस्यीय मदद कमेटी का गठन किया है, जो गांव में सहयोग राशि एकत्रित कर रही है। लुपिन फाउंडेशन भरतपुर के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता ने भी पीड़ित अशोक अग्रवाल को 71 रुपए की नकद राशि प्रदान की।